आज मैं बताऊंगी मटन स्टू बनाना। तो झटपट सी मटन स्टू कैसी बनती है मैं चलिए बताती हूँ आपको। ये देखिए कितनी डिलीशियस बनी है हमारी मटन स्टू, बिल्कुल रसीली। ये जो दही डाली थी हमने उसकी ये ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी सी बनी है। आप भी इस तरह से बनाएं अपने घर में और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे चैनल को। कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हम बहुत अच्छी लगी हमारी ये रेसिपी मटन स्टू की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए इसमें जितना मैंने दही डाला था उसका जूसी सा ग्रेवी बन के आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये मैंने कुकर में नहीं बनाया, पतीले में बनाया है। तो ये देखिए पैन गर्म कर दिया मैंने और उसमें ऑयल डाल दिया है और इसमें चॉप की हुई अनियन को डाला है। और जब हमारे अनियन फ्राई हो जाएंगे, ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, लाइट ब्राउन होने लगे हैं जब मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाली हूँ। एक तेज़पत्ता डाला है, एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, छह लौंग डाले थे और दालचीनी के चार टुकड़े डाले हैं इसमें। इसका फ्लेवर अब इसमें ऑयल में आ जाएगा। पहले से डालने से उसका फ्लेवर दूसरे तरीके से आता है और बाद में डालेंगे तो उसका फ्लेवर अलग आता है। ये देखिए मैंने लाल मिर्चों को तोड़कर जब हमारा अनियन फ्राई हो गया एक साइड किया है मैंने और इसे भी फ्राई कर रही हूँ। पहले से डालने से वो जल जाएंगे, उसका टेस्ट ही अलग आएगा, इस वजह से मैंने डाला है अभी। और ये देखिए हमारे अनियन भी ब्राउन हो गए। इसमें मैंने सारे मटन के डाल दिया, मटन धोकर मैंने रखा था पहले से। ये देखिए अच्छा सा मिक्स करें, अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसमें से। अभी ये मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, इसलिए अभी मैंने नमक डाला क्योंकि मैं मैरिनेट करके नहीं रखी थी इसे। और ये चॉप किए हुए अदरक और लहसुन चॉप किए हुए हैं, पेस्ट नहीं, इसमें चॉप किए हुए अदरक और लहसुन भी जाएंगे और हरी मिर्च भी चॉप कर सकते हैं आपको चाहिए तो। मैंने आज हरी मिर्च नहीं डाला है इसमें। और अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाना है हमें और 5 से 6 मिनट के लिए इसका लिड बंद करके छोड़ देना है। ये देखिए उसके बाद इसका खुशबू आया अच्छा सा, मैंने बोला था इसको फ्राई करने के लिए लिड बंद करना है। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी पानी डाली है इसमें। अभी 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद डाला है ये सब और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें होममेड मसाले डाले, आपके पास जो मसाले आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको होममेड मसाले का लिंक चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको आप जाके देख सकते हो। और ये देखिए अगर आपके पास नहीं है मसाले तो आप मिक्स मसाले भी डाल सकते हो या फिर मटन मसाला भी डाल सकते हो, जो अवेलेबल है आपके पास वो डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि होममेड मसाले ही होने चाहिए। देखिए इसका लीड मैंने बंद कर दिया मसालों को डालकर 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद मसाले हमारे भुन गए। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, ये दही है, इसका सारा पानी निकाल लिया था मैंने और रखा है। 250 ग्राम दही डाला है मैंने इसमें। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और दही को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। बीच बीच में एक बार चलाते रहना है,
ये देखिए बनके हमारा तैयार हो रहा है मटन स्ट्यू। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बन गया गाइज। गाइज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे फैमिली का फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हमारे चैनल को। ये देखिए मैंने निकाल के डिश आउट किया है, और गरम मसाला पाउडर डालकर और धनिया के पत्तों को डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और बस तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।